हेलो गाइस, तो बेल आपकी SSCCL की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो निकल के आ चुकी हैं और आपका नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं आपकी मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब तैयारी करवा रहा हूँ, आपको पक्का रिवीजन करवा रहा हूँ और आपका रीजनिंग भी चल रहा है एक साथ में। तो गाइस, ये मैं 3 क्वेश्चन लेके आऊँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं करते हैं वीडियो की और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेहूं के मूल्य 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या होगा? देखिए वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुल जो राशि है वो 600 रुपये की है और पहले, और मान के चलते हैं वो पहले जो गेहूं खरीदता था वो एक्स के जी खरीदता था, तो एक्स के जी खरीदता था है ना। बट अभी क्या है, अभी रेट पर 20% की कमी आ चुकी है गेहूं के भाव में प्रति केजी में, और तो उसके बाद वो कितना है कि वो 600 रुपये में ही एक्स तो खरीदते ही है प्लस 10 केजी एक्स्ट्रा खरीदता है, मतलब 10 केजी वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है गेहूँ 600 रुपये में। तो वो पूछ रहा है कि मतलब रेट गिरने के बाद गेहूँ का मूल्य क्या होगा। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगर हम प्रति केजी रेट अगर निकालना चाहें गेहूँ का तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम 600 में डिवाइड कर देते हैं रुपीज़ और ये केजी, तो ये क्या 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल निकल के नहीं आ जाएगा? ये हो गया 1 केजी गेहूं का रेट पहले, पहले इतना था है ना। पर अभी बोल रहा है कि वो इतना इसकी जो रेट है प्रति केजी वो 80% गिर चुके, मतलब 20% लेस हो चुके हैं। तो भाई 600 डिवाइड बाई एस कर देंगे, अगर इसका 80% कर देते हैं तो ये अपने पास करंट रेट आ जाएगा प्रति केजी गेहूं का, और करंट रेट में ही अपने पास क्या आ जाएगा, अगर हम 600 रुपीज़ को एक्स प्लस 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी प्रति केजी रेट, अभी जो करंट में जो प्रति केजी रेट होगा भाव गिरने के बाद वो हो जाएगा। तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है 600 से 600 ये डायरेक्ट उसको उड़ा देते हैं और ये बचेगा आपके पास 80 डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 10। यहाँ पर भी एक है इसको भी हटा देते हैं, तो ये 2 चौके 8 2 5 10, तो 4 बाई 5 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस के 10। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा 5x। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 40 केजी। तो हम लोग पहले जो गेहूँ खरीदते थे 600 रुपये वो 40 केजी खरीदते थे, बट हमको बताना है प्रति केजी का रेट। तो प्रति केजी का कैसे निकालेंगे, अभी का निकालना है ना, तो अभी का कैसे निकालेंगे प्रति केजी का रेट। देखिए इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, कहीं पर भी इसमें रख देते हैं। चलिए 600 एक्स कितना है 40 प्लस ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हो जाएगा 12 रुपीज़ प्रति केजी। तो अभी जो भाव गिरने के बाद जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 12 रुपये प्रति केजी है ना। तो अभी आपको 1 किलो जो गेहूँ है भाव गिरने के बाद वो 12 रुपये में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी जो दोनों खेल खेलते हैं। देखिए मैं इसको अपने तरीके से जो बताऊंगा, ज़िंदगी में आप कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं भूलने वाले हैं। मैं अलग टीचर के मेथड से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझाऊँ उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसको करना काफ़ी ज़्यादा, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, इसलिए मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाऊंगा। देखिए क्या बोला, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी मतलब हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हो तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए 600 लड़के हैं छात्रावास में, उसमें से कोई ना कोई प्रत्येक लड़का कुछ ना कुछ खेल अवश्य खेलता है, या तो वो हॉकी खेलेगा फुटबॉल खेलेगा। देखिए इसको टैकल कैसे करेंगे, अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, स्टोरी समझिए आप कि ये 600 लड़के हैं और कोई मेरे पास, मुझे अपनी टीम कहीं पर भेजनी है मान के चलो, तो उसमें से बोला गया कि भाई 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई 600 का 45% निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये लगभग आ जाएगा अपने पास 270 आ जाएगा। तो 270 लड़के हमने बाहर भेज दिए भाई, हॉकी खेलने के लिए बाहर जा चुके हैं अपने। अभी सेम टाइम मेरे पास क्या दिक्कत आई, मैंने बोला कि मुझे एक अपनी टीम और भेजनी है जिसमें से हमको जो लड़के हैं वो हॉकी खेलते हैं उनको भेजना है। तो हमने कहा भाई
हमारे पास 75% लड़के हैं जो 600 का वो हॉकी खेलते हैं, तो ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी लगभग 330, है ना, 330 निकल के आएगी। तो हमारे सॉरी ये आएगी निकल के 450, ये 450 निकल के आएगी। अब मैंने बोला कि अगर मैं हॉकी खेलने के लिए लड़कों को भेजता हूँ तो मेरे पास फुटबॉल खेलने वाले लड़के कम पड़ रहे हैं, है ना। देखिए ये खेलते हैं क्या फुटबॉल और ये खेलते हैं हॉकी, तो मैं दोनों को सेम जगह तो नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे। भाई ये देखिए अभी मैंने 270 लड़के हैं वो हॉकी फुटबॉल के लिए भेज चुके हूँ, तो मेरे पास 600 में से अगर मैं 270 को सबसेट कर देता हूँ तो हमारे पास बचेगा कितना, 330। और अभी मेरे पास सेम टाइम जो लड़के होने चाहिए फुटबॉल के लिए वो कितने होने चाहिए, 450, बट यहाँ तो 330 बच रहे हैं। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये 450 तक पहुँच जाए, तो अगर हम इसमें 120 ऐड कर देते हैं, 3, 2, 5, 4, 450, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फुटबॉल, मतलब हम तो फुटबॉल के लिए भी 450 हमारे पास बच्चे हो जाएंगे। तो 120 ये आ कहाँ से रहे हैं एक्चुअली, देखिए ये 120 बच्चे वही हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल सकते हैं, यही बच्चे क्या हैं कॉमन हैं आपके, है ना, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 330 ही बच रहे हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, कि 120 बच्चे जो है दोनों क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यही वाला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, 40 कर्मचारी तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या कितनी होगी। मान के चलिए कि कुल कर्मचारी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल कर्मचारी जो होंगे वो एक्स होंगे। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया सेम उसी बेस पर है, बस थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 40 जो बच्चे दिए गए हैं ये आखिर वही बच्चे हैं ना जो हमने यहाँ पर 120 निकाला था, ये कॉमन वाले हैं, तो ये भी तो 40 कॉमन ही होंगे ना। अब इसको लेकिन इसको करने की ट्रिक अलग होगी, देखिए 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कर्मचारी कुल संख्या कितनी है। देखिए 72% कर्मचारी चाय पीते हैं मान लिया, लेकिन अब ये 40 वाले जो हैं ना वो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, तो कहीं ना कहीं 40 कर्मचारी भी 72% में ही शामिल होंगे ना भाई। अगर हमको खाली अगर ओनली सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या निकालनी है तो 72% में से हम 40 घटा देंगे तभी तो खाली चाय पीने वाले निकलेंगे ना। इसी प्रकार से 44% अगर कॉफ़ी पीते हैं तो अगर हम 40 इसमें से घटा देते हैं तो सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या निकल आएगी ना, और ये क्या है, ये तो दोनों ही पीते हैं, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। देखिए कुल कर्मचारियों का 72% तो अपने पास क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, इसमें से 40 माइनस कर देते हैं तो ये क्या गए, केवल चाय पीने वाले, और यहाँ पर देखिए इसमें प्लस कर देंगे और कुल कर्मचारियों का क्या 44% तो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बट अगर हम इसमें से 40 घटा देते हैं तो ये सिर्फ वो आ जाएंगे जो सिर्फ ओनली कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं, वो हैं अपने पास 40, और ये जो संख्या आ जाएगी कहीं ना कहीं ये एक्स से 100% के बराबर हो जाएगी भाई, क्योंकि ये भी कुल कर्मचारी हुए और ये भी कुल कर्मचारी हुए। इसको सॉल्व करते हैं तो 72x डिवाइड बाई 100, ये 40 से ये वाला 40 हटा दीजिए और ये क्या हो जाएगा प्लस 44x डिवाइड बाई 100, और ये बचा अपने पास माइनस के 40, और ये क्या बचा 100 ऑफ x, ठीक है परसेंटेज में। अच्छा मैंने इसमें गलती ये कर दी कि मैंने ये 72% इसमें, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 72% ऑफ x इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 4, 2, 6, 7, 4, 11, 116 एक्स का 116% हो जाएगा माइनस के 40 बराबर क्या हो जाएगा 100 ऑफ एक्स परसेंट, ठीक है ना, एक्स का 100%। तो अगर इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना बचेगा 16x परसेंटेज में, और ये 14 हो गया परसेंटेज, यहाँ पर अगर हम इसको परसेंट करें तो 100 आ जाएगा। थोड़ी जगह की वजह से दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, देखो इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये अगर हम इसको
चार से कर देते हैं, 4 × 16 4 × 40 तो ये कितना हो जाएगा 4x/100 और बराबर क्या हो जाएगा 10। और 10 का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो 4x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 1000 और x बराबर क्या होना आएगा 4 × 8 × 4 × 5 = 20 250। तो कुल कर्मचारी जो अपने पास निकल के आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 250। तो कुल कर्मचारी इस ऑफिस में कितने हो जाएंगे 250। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।